गण, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में 17वीं लोकसभा का चुनाव होने के बाद संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस लोकसभा के लिए निर्वाचित सभी सांसदों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। भीषण गर्मी में भी लोगों ने लंबी कतारों में खड़े हो रहकर अपना वोट दिया है। इस बार महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान किया है और उनकी भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही है। करोड़ों युवाओं ने पहली बार मतदान करके भारत के भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। मैं लोकसभा के नए अध्यक्ष को भी उनके इस नए दायित्व के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे बड़े चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया की सफलता में प्रशासन तंत्र के अनेक विभागों और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों का योगदान अत्यंत सराहनीय है। इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत की विविधताओं का प्रतिबिंब इस संयुक्त सत्र में दिख रहा है। हर आयु के, गांव और शहर के, हर प्रोफेशन के लोग दोनों सदनों के सदस्य हैं। अनेक सदस्य समाज सेवा से हैं, बहुत से सदस्य कृषि के क्षेत्र से हैं, व्यापार और अर्थ जगत से हैं, तो अन्य बहुत से सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से हैं, लोगों का जीवन बचाने वाले मेडिकल प्रोफेशन से हैं, लोगों को न्याय दिलाने वाले लीगल प्रोफेशन से हैं, फिल्म कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले सांसदगण भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी के विशेष अनुभवों से संसद में होने वाले विचार विमर्श और समृद्ध होंगे। माननीय सदस्यगण, इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। वर्ष 2014 से पहले देश में जो वातावरण था उससे सभी देशवासी भली भांति परिचित हैं। निराशा और अस्थिरता के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए देशवासियों ने 3 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी। उस जनादेश को सर्वोच्च मान देते हुए मेरी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के काम करते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने इसी वर्ष 31 जनवरी को इसी सेंट्रल हॉल में कहा था कि मेरी सरकार पहले दिन से ही
सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। बीते 5 वर्षों के दौरान देशवासियों में यह विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनका जीवन बेहतर बनाने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही एक बार फिर जनादेश मांगा गया। देश के लोगों ने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी सरकार जनसाधारण को इतना सजग, समर्थ, सुविधायुक्त और बंधन मुक्त बनाना चाहती है कि अपने सामान्य जीवन में उसे सरकार का दबाव, प्रभाव या अभाव न महसूस हो। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है। नए भारत की यह परिकल्पना केरल की महान आध्यात्मिक विभूति, समाज सुधारक और कवि श्री नारायण गुरु के इन सद्विचारों से प्रेरित है। जाति भेदम मतद्वेषम युदुम इल्लादे सर्वरोम सोदरत्वेन बाडुन मातृ का स्थान मानित, अर्थात एक आदर्श स्थान वो है जहाँ जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। 3 सप्ताह पहले 30 मई को शपथ लेते ही सरकार नए भारत के निर्माण में और तेजी के साथ जुट गई। एक ऐसा नया भारत जहाँ हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों, जहाँ प्रत्येक देशवासी का जीवन बेहतर बने और उसका आत्मसम्मान बढ़े, जहाँ बंधुता और समरसता सभी देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती हो, जहाँ आदर्शों और मूल्यों की हमारी बुनियाद और भी मजबूत बने और जहाँ विकास का लाभ हर क्षेत्र में एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। यह नया भारत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा जहाँ लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मसम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे। गुरुदेव के शब्दों में, चित्तो जेथा भय सुनो उच्चो जेथा शीर। माननीय सदस्यगण, हर भारतवासी के लिए यह गौरव का विषय है कि जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब हम नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे। नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त करना मेरी सरकार का संकल्प है। नए भारत के इस पथ पर ग्रामीण भारत मजबूत होगा और शहरी भारत भी सशक्त बनेगा। नए भारत के इस पथ पर उद्यमी भारत को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। नए भारत के इस पथ पर 21वीं सदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में 21 दिन के अल्प समय में ही मेरी सरकार ने तेजी से किसानों, जवानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है। जो किसान हमारा अन्नदाता है उसकी सम्मान राशि की पहुंच बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अपने खेत में
दिन रात काम करने वाले किसान भाई बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा सके। पशुधन किसानों के लिए बहुमूल्य है। जानवरों से जुड़ी बीमारी के इलाज में उनका बहुत पैसा खर्च होता है। इस खर्च को कम करने के लिए मेरी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की राशि से एक विशेष योजना शुरू करने का भी फैसला लिया है। पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा। अपनी हर खुशी, हर सुख, हर त्यौहार को त्याग करके देशवासियों की सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले जवानों के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। वह जवान जो सीमा पर डटा रहता है, जिसकी वजह से सभी देशवासी निश्चिंत रहते हैं, उसके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना भी हमारा दायित्व है। इसी भावना से प्रेरित होकर नेशनल डिफेंस फंड से वीर जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे बेटियों को भी शामिल किया गया। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बढ़ता हुआ जल संकट। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरागत और प्रभावी व्यवस्थाएं समय के साथ लुप्त होती जा रही हैं। तालाबों और झीलों पर घर बन गए और जल स्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए पानी का संकट बढ़ता गया। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभावों के कारण आने वाले समय में जल संकट के और गहराने की आशंका है। आज समय की मांग है कि जिस तरह देश ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गंभीरता दिखाई है, वैसी ही गंभीरता जल संरक्षण एवं प्रबंधन के विषय में भी दिखानी होगी। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा। नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिसके दूरगामी लाभ होंगे। इस नए मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मेरी सरकार सूखे की चपेट में आए क्षेत्रों की समस्याओं के प्रति पूर्णतया सचेत है और हर प्रभावित देशवासी के साथ खड़ी है। राज्य सरकारों और गाँव के स्तर पर सरपंचों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीने के पानी की कम से कम दिक्कत हो और किसानों को भी मदद मिल सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था और भावना को निरंतर मजबूत बनाते हुए मेरी सरकार राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों को साथ लेकर चल रही है। पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्रियों के साथ विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया तथा कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया। माननीय सदस्यगण, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर ही सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है। हमारे किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। राज्यों को कृषि विकास में पूरी मदद मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा। वर्ष 2022 तक देश के किसान की आय दुगनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला हो या फूड प्रोसेसिंग में 100% एफटीआई को मंजूरी, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना का विस्तार, सायल हेल्थ कार्ड हो या फिर यूरिया की 100% नीम कोटिंग, मेरी सरकार ने किसानों की ऐसी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक फैसले लिए हैं। सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन केंद्रित रखने के साथ साथ
आय केंद्रित भी बनाया है। इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके माध्यम से सिर्फ 3 महीने में ही 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के पास पहुंचाई जा चुकी है। हर किसान को इस योजना के दायरे में लाए जाने के बाद अब इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कृषि उपज के भंडारण की सुविधा से किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता है। अब ग्रामीण भंडारण योजना के माध्यम से किसानों के अपने गांव के पास ही भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी। कृषि क्षेत्र में सहकारिता का लाभ डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को मिल रहा है। कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी किसानों को लाभान्वित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज भारत मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हमारे देश में प्रथम स्थान पाने की क्षमता है। समुद्री मछली उद्योग तथा आंतरिक मत्स्य पालन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि की अपार संभावना है। इसीलिए सरकार ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के लिए प्रतिबद्ध है। मछली पालन के समग्र विकास के लिए एक अलग विभाग गठित किया गया है। इसी प्रकार मत्स्य उद्योग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए एक विशेष फंड बनाया गया है। माननीय सदस्यगण, देश के निर्धन परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाकर ही हम अपने संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में किसानों, मजदूरों, दिव्यांगजनों, आदिवासियों और महिलाओं के हित में लागू की गई योजनाओं में व्यापक स्तर पर सफलता मिली है। गरीबों को सशक्त बनाकर ही उन्हें गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए सरकार ने गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को आवास स्वास्थ्य, जीवन की आवश्यक सुविधाओं, आर्थिक समावेश, शिक्षा, कौशल तथा स्वरोजगार के जरिए उन्हें सशक्त करने का मार्ग अपनाया है। यही दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का कार्य रूप है। देश के 112 आकांक्षी जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। इन जिलों में देश के सबसे पिछड़े 1,15,000 गांव हैं। इन गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जनधन योजना के रूप में विश्व के सबसे बड़े आर्थिक समावेशन के अभियान की सफलता के बाद मेरी सरकार बैंकिंग सेवाओं को देशवासियों के द्वार तक पहुंचाने का काम भी कर रही है। देश के गांव-गांव में और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के लगभग 1.5 लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे डाकिया साथी ही चलते फिरते बैंक बनकर बैंकिंग सेवाएं घर घर तक पहुंचाएं। माननीय सदस्यगण, इलाज के खर्च से गरीब परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। उन्हें इस संकट से बचाने के लिए 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की है। इसके तहत अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 5,300 जन औषधि केंद्र भी खोले जा चुके हैं। हमारा प्रयास है कि दूर सुदूर इलाकों में भी लोगों को जन औषधि केंद्रों से सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकें। वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण अंचलों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 18,000 ऐसे सेंटर शुरू किए जा चुके हैं। जनजातीय समुदायों से हमारे अन्य देशवासी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर्यावरण एवं प्रकृति के अनुकूल जीवन यापन करने वाले आदिवासी भाई बहन विकास और परंपरा का सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं। नए भारत में जनजातीय समुदायों के हित में
समावेशी तथा संवेदनशील व्यवस्था के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। वन्य क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को पढ़ाई से लेकर कमाई तक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य प्रगति पर है। आदिवासी बहुल इलाकों में बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं। वन धन केंद्रों के माध्यम से वन उपज में वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर बल दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी एक विकसित समाज की कसौटी होती है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यों के सहयोग से अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भ्रूण हत्या में कमी आई है और देश के अनेक जिलों में सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। उज्ज्वला योजना द्वारा धुएं से मुक्ति, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना में अगले 3 वर्षों के दौरान गाँव में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में महिलाओं को समान रूप से भागीदार बनाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। उद्योग और कारपोरेट क्षेत्र के सहयोग से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सरकारी खरीद में ऐसे उद्यमों को वरीयता दी जाएगी जहां कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित स्तर से अधिक हो। देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। माननीय सदस्यगण, नए भारत के निर्माण में हमारी युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी होनी ही चाहिए। बीते 5 वर्षों में युवाओं के कौशल विकास से लेकर इन्हें स्टार्टअप एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। साथ ही स्कॉलरशिप की राशि में भी 25% की वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे। समाज के हर वर्ग का युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसके लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किया गया है। इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले क्षेत्रों में समुचित नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। आज भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्टअप वाले देशों में शामिल हो गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को
बेहतर बनाने के लिए सरकार नियमों को और भी सरल बना रही है। इस अभियान में और तेजी लाई जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश में 50,000 स्टार्टअप स्थापित हो सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस प्रयास को और सशक्त बनाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित फाउंडेशन केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों के बीच सेतु का काम करेगा। विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के अनेक संस्थान अपना स्थान बना सकें, इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता तथा वित्तीय योगदान के जरिए प्रेरित किया जा रहा है। मेरी सरकार देश के हायर एजुकेशन सिस्टम में सीटों की संख्या को वर्ष 2024 तक डेढ़ गुना करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस पहल से युवाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 2 करोड़ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। माननीय सदस्यगण, बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उचित अवसर एवं वातावरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। स्कूली स्तर पर ही बच्चों में टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से देश भर के लगभग 9,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसी प्रकार 102 विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। विश्व स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ता है, साथ ही बच्चों और युवाओं में खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ती है। इससे स्वास्थ्य को जीवन में प्राथमिकता देने की संस्कृति को भी बल मिलता है। भारत को विश्व स्तर की खेल शक्ति बनाने के लिए देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान और उनका पारदर्शी चयन महत्वपूर्ण है। राज्य और जिला स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को व्यापक रूप देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 2,500 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आने वाले हर साल में यह सुविधा 2,500 नए खिलाड़ियों को दी जाएगी। देश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के साथ ही उसका विस्तार भी किया जाएगा। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध हों, इसके लिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। हमारा प्रयास है कि खेल जगत में उच्च स्थान प्राप्त करके हमारे खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएं। माननीय सदस्यगण, देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। महंगाई दर कम है, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में है और विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है तथा मेक इन इंडिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब भारत जीडीपी की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने।